रिलेटेड so, कुछ इमसीकस करे है फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी जो की अयोध्या में सिचुएटेड है फॉर पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो मैं आपको बता दू की आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी सो पार्ट ए में आपके जो थर्टी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो रिसर्च मेथेडोलॉजी से पूछे जाते हैं सो so, याद रखिएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें हम आपको रिसर्च मेथ्रोलॉजी के हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हर एक टॉपिक पर आपको नोट्स देखने मिलेंगे नोट्स हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिसमें हमने इम, जो इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर कर बताया है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने मिलेंगे उसी तरीके से मोक्टिस से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है आपको पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक पर आपका कौन सा टॉपिक कौन सा यूनिट वीक है उसी तरीके से थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू स्पीडी जो कि आपके रिवीजन का काम करता है सो so, इस तरीके से हम आपको रिसर्च मेथेडोलॉजी का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेगा एज वेल एज इन इंग्लिश में सो so, याद रखिएगा आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव आपका एग्जाम जो है बहुत कॉम्पिटेटिव होता है बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अब रिसेंटली बहुत से यूनिवर्सिटीज के पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे जिसमें स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली थर्टी फोर्टी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे So, याद रखिये हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है नॉर्मल का नंबर पर नहीं लगेगा याद रखिएगा व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है और हमने हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ प्रोवाइड कर रखी है जैसे कि आप वन क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो हमारे इस रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स फुल टेन मॉक टेस्ट, थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस एम सी की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हमारा जो ये रिसर्च मेथडोलॉजी का कंटेन है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं तो, आप आप तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसोर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मोक्टेस को एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ ये आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर, कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे तो so, हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है याद रख के आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप So, इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विदीडियो डैश एक परिकल्पना का स्रोत नहीं है डैश इज नॉट सोर्स ऑफ इस प्रश्न में पता करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से हम हाइपोथेसिस का स्रोत नहीं कर सकते हैं। यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को आउट नहीं कर सकते हो ना ही हाइपोथिस का बना सकते हो अब इस प्रश्न जिसके एक वर्ड आ, आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथिस यानी परिकल्पना ये होती क्या है? आपको पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे so, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, टेंटेटिव टेंटेटिव स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता होता है, होता है। ओके? अब टेंटेटिव स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है इसका मीनिंग क्या होगा टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है उसे हम कहते हैं टेंटेटिव ओके मतलब टेम्पररी आप कुछ समय के लिए मान लेते हो ऐसा करने से हो सकता है आगे चलकर ऐसा हो जाए यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो भविष्यवाणी कर रहे हो आप आपके रिसर्च में कुछ चीजों पर भविष्यवाणी करते हो और उसी भविष्यवाणी को आप आपके शोध में आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की शोध के थ्रू आप उस भविष्यवाणी को आपके उसका परीक्षण करते हो यानी आप आपकी परिकल्पना का बेसिकली उसका परीक्षण करते हैं आपके है so, है, so, कर परिकल्पना ये होती टेंटेटिव स्टेटमेंट कुछ समय के लिए आप मान लेते हो आपकी जो भविष्यवाणी आप करते हो उसी का आप आपकी अः शोध में परीक्षण करते हो उसे क्या हम कहते हैं परिकल्पना और हाइपोथेसिस अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना का स्रोत नहीं कर सकते यानी हाइपोथिस लेडाउन नहीं कर सकते सो वन बाय वन हम सारे विकल्प देखते हैं। सारे देख लेंगे सारे ऑप्शंस देख so, लेंगे सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है इंट्यूशन यानी सहज बोध इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाना विदाउट एनी प्रूफ किसी चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आपको वो सारी चीजें समझ में आ जा रही है उसे हम कहते हैं इंट्यूशन इंट्यूशन जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं ओके okay, इंट्यूशन क्या होता है कि आपको किसी फेनोमेना के किसी टॉपिक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो जल्दी से लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते उसका कोई प्रूफ नहीं होता है विदाउट एनी प्रूफ आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो उसी को हम कहते हैं इंट्यूशन यानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. तो यस yes, हाइपोथेसिस भी वही तो करती है आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के बेसिस पर आप एक स्टेटमेंट देते हो और उसी स्टेटमेंट को आप प्रूफ करते हो आपको हाइपोथेसिस ऐसी चीजों पर करनी चाहिए जो कि पहले से आपको नहीं प्रूफ नहीं हो जो चीज प्रूफ नहीं होती उसी को तो हम टेस्ट करेंगे हमारे रिसर्च में ओके सो इंट्यूशन के हेल्प से इंट्यूशन ये एक सोर्स है जिसके हेल्प से आप आपकी हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो सो so, यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प भी नॉलेज जिसे हम कहते हैं ज्ञान अब नॉलेज क्या होता है अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज के एक्सपर्ट है आप कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है सो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है कि हार्ट के बारे में हार्ट डिसीज कैसे होती है चेस्ट में पेन होने की वजह से ब्लड लेवल की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकता है हार्ट डिसीज हो रही हो सो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है So, आपको जो भी ज्ञान होता है आपको जो भी नॉलेज होता है आपको एक पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में आपको जो भी आपको समझ होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होती है बहुत सारी चीजों के बारे में तभी आप ले लेडाउन कर सकते हो सो so, नॉलेज एक ऐसा सोर्स है यानी ज्ञान एक ऐसा स्रोत है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो और परिकल्पना का आप स्रोत कर, कर सकते हो तो so, यहाँ पर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथेसिस को ले डाउन करने में देन हम डायरेक्टली ऑप्शन डी देखेंगे थ्योरी थ्योरी यानी सिद्धांत अब थ्योरी क्या होती है याद रखिएगा जब भी थ्योरी वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है उस वो थ्योरी ऑलरेडी प्रूफ होती है ओके तो थ्योरी जो होती है आप उसका यूज कर सकते हो ओके okay? जैसे मान लीजिए किसी रिसर्चर uh, ने पुराने रिसर्चर ने किसी चीज पर थ्योरी डेवलप कर दी ओके वो थ्योरी का आप यूज करोगे आगे फर्दर रिसर्च करने के लिए उस थ्योरी का आप यूज करोगे हाइपोथेसिस ले डाउन करने थे। के लिए मान लीजिए आगे और कुछ टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो कोई दूसरा टॉपिक है उस पर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या करोगे उसी थ्योरी का जो पुराने रिसर्चर ने थ्योरी डेवलप करी उसी थ्योरी का यूज कर कर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे तो यहाँ पर थ्योरी भी एक ऐसा सोर्स है सिद्धांत भी एक ऐसा स्रोत है जिसके हेल्प से एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो हाइपोथेसिस को बना सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी दिया गया है ऊर्जा यानी एनर्जी आप में जितनी एनर्जी होंगी उतनी अच्छी है, आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं एनर्जी ये कोई टर्म नहीं होता ये एक कोई सोर्स नहीं होगा जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस हाइपोथिस लेडाउन करेगा यहाँ तो पर आपका एनर्जी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ओके लेकिन इंट्यूशन नॉलेज और थियोरी यानी सहज बोध ज्ञान और सिद्धांत एक ये तीनों भी एक ऐसे सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं कर सकते हो सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न यदि कोई अध्ययन विश्वसनीय है तो इसका अर्थ क्या है इफ अ स्टडी इज रिलेबल दिस मीन्स दैट So, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर कोई अध्ययन है वो विश्वसनीय विश्व यानी कोई स्टडी है अगर कोई स्टडी है ये रिलायबल स्टडी है तो उसका अर्थ क्या होगा उसका मीनिंग क्या होगा उसका डेफिनेशन क्या होगी उसकी परिभाषा क्या होगी ये पता लगाना है हमें इस प्रश्न में सो so, रिलायबल ये है क्या पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिलायबल आपके रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सो रिलायबल रिलायबल ये कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च की सो so, याद रखिएगा जैसे कि आपको एग्जाम में रिलायबल पूछा गया है तो आपको हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम आपका जो एग्जाम आने वाला है आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको वैलिड पर आए क्वेश्चन ओके okay? अब तो आपको रिलायबल पूछा गया था अब वैलिड भी आ सकता है सो so, देखिए जैसे कि रिलायबल क्या होता है पहले तो हम ये देखेंगे फिर वन बाय वन हम सारे विकल्पों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा अब रिलायबल क्या होता है रिलायबल यानी जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो आप कोई प्रयोग परफॉर्म कर रहे हो और बार बार चीजों को परफॉर्म करने के बाद आपका सेम मेजरमेंट मिल रहा है आपको सेम आप मेजर कर पा रहे हो सेम ही आ रहा है आपका रिजल्ट तो उसे हम कहते हैं रिलायबल अब किस तरीके से ये एक हम उदाहरण के थ्रू देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना वेट चेक करा वेइंग मशीन पर ओके ंग मशीन पर आप तीन बार मैंने वेट चेक करा सो so, हर तीन बार यानी तीनों बार अगर मैं वेट चेक करी तो तीनों बार मेरा फोर्टी केजेस आ रहा है ओके okay, तीनों बार वेट करने पर मेरा आ रहा है फोर्टी केजेस यानी मैं कित हर बार अगर वेट करूं और मेरा हर बार वेट सेम ही आए ऐसा नहीं हो रहा कि पहले केस में मेरा फोर्टी आ रहा है दूसरे में फिफ्टी देन तीसरे में सिक्सटी ओके okay, मतलब मैंने हर बार वेट करा और मैं फोर टू फाइव टाइम और मैं अगर वेट कर लू अपना तो हर वेट में हर फाइव फाइव टाइम्स टाइम्स अगर मैं मैं वेट वेट कर तो तो मेरा ही आ रहा है तो इस केस में मैं मेरे जो, जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है क्योंकि ये मुझे हर बार सेम रिजल्ट दे रही है हर बार मेजर करने पर हर बार चीजों को मेजर करने पर मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है मुझे स्टेबल रिजल्ट मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे रिलायबल So, यही आपको विकल्प बी में भी दिया गया है द मेजर डिफरेंट ओकेजन यानी एक ऐसी है, एक डिवाइस है, जो अगर आप मेजर कर रहे हो जिस चीजों को और मेजर करने बाद डिफरेंट ओकेजन डिफरेंट ओकेजन यानी क्या हर अलग अलग व्यक्त पर हर अलग अलग टाइम पर आपको क्या मिल रहा है सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं सेम ही मेजरमेंट्स मिल रहे हैं। तो उससे हम कहते हैं रिलायबल तो so, आपका इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ओके okay, अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय अलग अलग अवसरों पर स्थर होता है। यानी आप चीजों को मेजर कर रहे हो आप माप रहे हो और आपकी जो डिवाइस है वो आपको अलग अलग अवसरों पर सेम ही रिजल्ट बता रही है सो so, ये होती है आपकी रिलायबल अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन बच गए हैं उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन ए विकल्प a आप पर आपको दिया गया है इट वॉज कंडेड ऑफ़ रिसर्चर वो कैन बी ट्रस्टेड सो रिलायबल स्टडी उसे नहीं कहेंगे कि कोई रेप्यूटेटेस्ट रिसर्चर है कोई बहुत ज्यादा जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है बहुत अच्छा रिसर्चर जो है उन पर हम ट्रस्ट करें So, वो स्टडी को हम नहीं कहेंगे रिलायबल। so, पर आपको विकल्प जो दिया गया है ये गलत ओके आपके, okay? आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं आप दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसको जनरलाइज करते है यानी उसका दूसरे दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसका उपयोग कर सकते हो उसको उस चीजों को आप उसका उपयोग कर सकते हो दूसरे अध्ययन में भी सो तो ऐसा नहीं हो सकता है रिलायबल का मतलब होता है हर बार मेजर करने पे चीज सेम आई मेजरमेंट आपको सेम ही मिले सो so यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प डी द मेथड दैट इज क्लियरली इनफ फॉर द रिसर्च टू बी रेप्लिकेटेड यानी अनुसंधान को आप क्या कर रहे हो दोबारा रिपीट करोगे ओके आप क्या कर रहे हो उसको दोहरा रहे हो अब फिर से उसको रिपीट कर रहे हो सो तो रिपीट करने में यानी मान लीजिए किसी रिसर्चर ने पहले से ही इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही रिसर्च कर रखी है आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो उसके बेसिस पर आप क्या करते हो उस रिसर्च को रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हो उस रिसर्च को फिर से परफॉर्म करने की कोशिश करते हो और आप देखते हो कि ये नए क्या मिल सकते है इससे रिजल्ट और क्या आ सकते हैं रिजल्ट तो ये आपकी रेप्लीकेटेड रेप्लीकेशन हो सकता है आपके की डेफिनेशन होती है जो कि आपकी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लेकिन ये रिलायबल की डेफिनेशन नहीं होगी सो so, पर आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा सो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी आप ऐसे डिवाइस जिस पर आप कोई चीजों को माप रहे हो मेजर कर रहे हो और अलग अलग अवसरों पर आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रिलायबल अगला प्रश्न एक शोध डिजाइन क्या है वॉट इज अ रिसर्च डिजाइन सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शोध की डिजाइन जो होती है यानी रिसर्च डिजाइन जो होती है उसकी परिभाषा उसकी डेफिनेशन उसका अर्थ क्या होगा उसका अर्थ उसकी डेफिनेशन हमें किस विकल्प में दी गया है हमें ये पता लगाना है सो so, रिसर्च डिजाइन याद रखिएगा आपके जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसका सेकेंड स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होता है एंड सेकेंड स्टेप आपका रिसर्च डिजाइन होता है अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है रिसर्च डिजाइन में आप क्या करते हो शोधकर्ता क्या करते है जो रिसर्चर है वो क्या करते हैं रिसर्च डिजाइन में आपको ये पता होना चाहिए सो रिसर्च डिजाइन याद रखेगा जिसे हम ब्लू भी कहते हैं ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज अ ब्लू प्रिंट सो आपको कंफ्यूज uh, नहीं होना है याद रखना है रिसर्च डिजाइन को ही ब्लू प्रिंट भी कहते हैं ओके रिसर्च डिजाइन का ही दूसरा नाम होता है ब्लू प्रिंट अब रिसर्च डिजाइन जैसे डिजाइन है यानी किसी चीज की आप आ, कुछ आप सोचोगे उसके बारे में कि आप किस तरीके से उसको आप परफॉर्म करने वाले हो सो so, रिसर्च डिजाइन रिसर्च को आप किस तरीके से आगे चलकर परफॉर्म करने वाले हो कौन कौन से स्टेप्स आप परफॉर्म करने वाले हो कौन सी रिसर्च का कौन सी शोध का उपयोग कर, कर आप आपके रिसर्च परफॉर्म करोगे कौन सी आप किस तरीके से हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे आप कैसे सैंपल्स बनाओगे कैसे आप नमूनों को चुनोगे आप कहाँ से चुनोगे किस एरिया से चुनोगे किस पर आप स्टडी परफॉर्म करने वाले हो उसका सोसाइटी पर क्या बेनिफिट हो सकता है उसका बेनिफिट उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आप डेटा किस तरीके से कलेक्ट करोगे आपके नमूनों से आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो आप किस तरीके से डेटा को एनालाइज करने वाले हो किस तरीके से आप आपके रिजल्ट बताने वाले हो किस तरीके से आप आपकी रिसर्च करने वाले हो ये सारे आप आपके रिसर्च डिजाइन में करते हैं यानी रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हैं ब्लू का भी मतलब होता है प्लानिंग प्लानिंग आप जैसे किसी चीज को आप परफॉर्म करने वाले हो उसके पहले आप क्या कर लेते हो प्लानिंग कर लेते हो आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो तो उसके आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि इतने समय में मैं यहाँ पर रहूंगा इतने समय में मैं यहां पर जाऊंगा तो उसी तरीके से आप रिसर्च में भी करते हो क्योंकि रिसर्च जो होता है आपका ये वन और टू मंथ्स का नहीं होता है रिसर्च आपको 3 टू 6 इयर्स तक परफॉर्म करना होता है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है बहुत लंबा समय होता है तो लंबे समय जो होता है उसके लिए जो रिसर्च होते हैं वो प्लानिंग करते हैं वो पहले से ही सोच लेते हैं कि किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च यूज करने वाले हैं कौन से प्रकार की शोध यूज करने वाले हैं कैसे जो डेटा होता है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे डेटा को किस तरीके से एकत्र करेंगे याद रखिएगा स्टेज ऑफ डेटा यानी हर एक स्टेज में आप किस तरीके से काम करने वाले हो उसका फ्रेमवर्क उसका ढांचा बना लेते हो ओके डेटा का संग्रहण और विश्लेषण के हर चरण के लिए एक रूपरेखा ओके आप पहले से एक बना लेते हैं रूपरेखा कि आप किस तरीके से डेटा का विश्लेषण करोगे हर एक स्टेज में हर एक चरण में आप उसका किस तरीके से डेटा को एकत्र करोगे किस तरीके से विश्लेषण करोगे उसका ये सारा आप आपके रिसर्च डिजाइन में शोध डिजाइन में बता देते तो ये हो गए आपके सही डेफिनेशन करेक्ट डेफिनेशन आपके रिसर्च डिजाइन की यानी शोध डिजाइन की अब जो बच गए हैं विकल्प उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं विकल ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज ग्राउंडेड दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थियरी यानी अनुसंधान करने का एक तरीका जो संदर्भ पर आधारित नहीं होता है So, यहाँ पर बता रहा है कि रिसर्च डिजाइन ऐसा वे होता है जिसमें आप रिसर्च कंडक्ट करते हो जो कि ग्राउंडेड थ्योरी नहीं होता है ग्राउंडेड इन थ्योरी यानी क्या होता है जैसे ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो आपके पास डेटा कलेक्ट कर लेते हो आप पहले देन उस डेटा को एनालाइज कर आप थ्योरी डेवलप करते हो सो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड इन थ्योरी सो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन का ये मतलब नहीं होता है रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है प्लानिंग करना सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है अनुसंधान करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है ये गलत हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मेथड यानी आप क्या कर रहे हो आप चॉइस कर रहे हो आप चुन रहे हो कि आप कौन सा मेथड उपयोग करोगे आप कौन से मेथड का आप कौन से तरीकों का उपयोग करोगे क्या आप गुणात्मक तरीके का उपयोग करोगे या फिर मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करोगे आपके रिसर्च में सो उसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं कि नहीं सो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प सी द स्टाइल इन विच यू रिप्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स फॉर एग्जाम्पल अग्राफ यानी वो शैली जिसमें आप अपने शोध के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं उदाहरण के लिए एक ग्राफ यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे आपने रिसर्च परफॉर्म कर ली उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं आप उसको एक वे में प्रेजेंट करते हो या तो आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हो या तो आप टेबल में प्रेजेंट करते हो जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया है ओके तो आपके जो रिसर्च के जो भी आपके परीक्षण आ रहे हैं जो भी आपके रिसर्च के आपके फाइंडिंग्स आ रहे हैं जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हो एक कोई भी एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जैसे आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया सो इससे हम कहेंगे कि कह रिसर्च डिजाइन नहीं रिसर्च डिजाइन तो एक फ्रेमवर्क को कहते हैं जिसमें आप एवरी स्टेज में जो डेटा कलेक्ट करने, करने वाले हो किस तरीके से डेटा को एकत्र करने वाले हो किस किस तरीके से उसका विश्लेषण करने वाले हो सारी चीजें आप आपके रिसर्च डिजाइन में बताते हो सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अगला प्रश्न डेटा को नोट्स रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो टेप्स इन इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है तो वो कौन सी रिसर्च का कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा अब आपको याद रखना है आपके जो Uh, दो रिसर्च मेनली जो होती है जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। सो so, गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा सो so, यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा देन विकल्प बी मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान जैसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं जो नंबर्स को दर्शाता है सो so, मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है सो so, मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा जैसे किसी की उम्र किसी के हाइट किसी की ऊंचाई किसी का वजन So, ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल हो गए so, आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा विकल्प सी आपको है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं सो so, प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली uh, आप जो वेरिएबल्स होते हैं जो चर होते हैं उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है So, पर आपका जो ऑप्शन सी जो विकल्प सी है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा so, आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है तो so, ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा तो so, यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट विकल्प हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए अगला प्रश्न उचित सैंपलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अप टू डेट पूर्ण और वैन्य होने चाहिए विच ऑफ दिंग शुड बी अप टू डेट कंप्लीट एंड अफोर्डेबल फॉर प्रॉपर सैंपलिंग सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें हम हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सैंपलिंग के लिए जिसको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल अप अपटूडेट डिटेल जो होती है वो सारी डिटेल होनी चाहिए सो so, वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होती है सारी चीजें प्रेजेंट होती है सो so, याद रखिएगा वो होती है आपकी सैंपलिंग फ्रेम अब सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो पॉपुलेशन होती है आपकी मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाती है सो so, डायरेक्टली आप पॉपुलेशन में से आपके सैंपल्स को नहीं चुनते आप क्या करते हो पॉपुलेशन में से लोगों की लिस्ट बना लेते हो अब जैसे पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन होती पूरी पर हम रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते तो आप क्या करते हो क्या पॉपुलेशन लेते हो पॉपुलेशन में जितने लोग हैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ मैं स्टडी कर रही हूँ जो जो तो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स पर कैसा अफेक्ट होता है सो so स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट होता है ये स्टडी में परफॉर्म कर रही मुझे ये अध्ययन करना है सो so मुझे ऐसे लोगों को अपने सैंपलिंग uh, फ्रेम में लेना होगा ऐसे लोगों का मुझे डिटेल उनका नेम प्रॉपर उनकी एज सारी इंफॉर्मेशन लिखना होगा एक प्रॉपर एक शीट पर ओके okay? ऐसे so, लोग लेना होगा जिनकी जो स्मोकिंग करते हैं ओके okay? जो स्मोकिंग नहीं करते उनको तो मैं अपने अध्ययन में नहीं लूंगी जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं को लूंगी मैं अपने पॉपुलेशन में से एक लिस्ट बनाकर उन सारों का नाम लिखूंगी उनकी डिटेल हो जाएगी उनकी एज हो सकती है कोई भी डिटेल जिस पर आप स्टडी कर रहे हो तो आप पूरी एक शीट में डिटेल लिख लेते हो एक लिस्ट बना लेते हो आप जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन में जो जो व्यक्ति पर आप रिसर्च करने वाले हो उनकी एक लिस्ट बना लेते हो सो so, से हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम अब इस लिस्ट में क्या होता है सारे लोगों का आप नाम उनकी इंफॉर्मेशन आपको जो जो चाहिए होता है आप प्रॉपर इस लिस्ट में उनकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो हर एक सैंपल के हर एक पर्सन uh, की आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो अब आप सैंपल आप यहाँ से चूज करते हो आप रैंडमली यहाँ से जो भी टेक्निक आप यूज करोगे जैसे आप Uh, ले रहे हो किसी भी किसी भी भी तरह की की टाइप के लिए आप क्या करते हो इस लिस्ट में से अपने सैंपल चुन लेते हो इस लिस्ट में से सारे व्यक्ति को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाता है सो so, इस तरीके से आप सैंपलिंग फ्रेम बनाते हो और यहां से आप प्रॉपर अपने सैंपल्स को यानी अपने नमूनों को चुन लेते हो जिस पर आपको रिसर्च परफॉर्म करनी है जिस पर आपको शोध परफॉर्म करनी है सो so याद रखिए यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में आपको वो भी देखना होगा अप टू डेट इंफॉर्मेशन कंप्लीट और अफोर्डेबल जो होता है सैंपलिंग के लिए तो वो होता है आपका सैंपलिंग फ्रेम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपलिंग फ्रेम पर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो बच गए ऑप्शन उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं टेक्निक जिसे हम कहते हैं नमूना तकनीक अब नमूना तकनीक क्या होती है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग से आप आपके सैंपल्स को पर स्टडी करोगे या फिर आप को भी कोई भी सैंपलिंग मेथड जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो उसे हम कहते हैं सैंपलिंग टेक्निक बहुत सारे सैंपलिंग मेथड होते हैं आपके स्टेटिफाइड कोटा क्लस्टर uh, ये सारे आप परफॉर्म कर कर आप आपके पर करते नमूना तकनीक देन रिस्पॉन्डेंस रिस्पोंडेंस क्या होते हैं ये आपके सैंपल से मिलने वाले आपको रिस्पॉन्स जो लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं जिनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे हम कहते हैं रिस्पोंडि उत्तरदाता है सो उत्तर so, यहाँ पर था था है तो ये हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीट डिटेल होती है तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प डी टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन यानी डेटा कलेक्ट करने का डेटा एकत्र करने का टूल उपकरण तो ये यह, यहाँ पर आपको पता है डेटा कलेक्शन टूल क्या होते हैं आपके जैसे क्वेश्चन और आपके सारे जो है ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज तो ये सारे होते हैं आपके डेटा कलेक्शन टूल्स ना के जिसमें आपके पास सारी अपू डेट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, से यहाँ आप पर अभी आपका ऑप्शन डी यानी विकल्प डी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सैम्पलिंग प्रेम नमूना चयन डाचा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड सी यू टूमोरो